डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैंसल नीड यूजे एग्जाम कंडक्ट द फ्रेश टेस्ट पील इन द एससी अवर द पेपर लीक रिपोर्ट्स। तो आप लोगों को बता दें कि फाइनली जो है पील जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, एंड क्या क्या यहाँ पर फ्रेश डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या यहाँ पर पील में बोला गया है, कम्प्लीट हम आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो वीडियो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पाने के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व पाने के बाद जो है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल क्लियर अपील में स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो लीक था, एंड डायरेक्टर फॉर कंडक्टिंग ए फ्रेश एग्ज़ाम, दोबारा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। सेवरल नीट यू जी एस्पिरेंट्स हैव फील्ड ए राइट पिटिशन सीकिंग एग्जाम कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NTA अक्रॉस द नेशन एंड कंडक्शन ऑफ ए फ्रेश एग्जामिनेशन करवाए जो कि अपना बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग फाइल हो चुका है, एंड जो एडवोकेट हैं वो ममता शर्मा है। ममता शर्मा ने ये कंप्लीट केस लिया है, एंड ममता शर्मा हैज स्टेटेड दैट ऑन द डेट ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन, जिस दिन नीट का एंट्रेंस था उस दिन CBI ने रजिस्टर किए थे FIR जो कि 4 पीपल्स अननोन पीपल्स के अगेंस्ट थी, और जिसमें यहाँ पर था कि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन वाज मैनिपुलेटेड बाय द यूजिंग प्रॉक्सी कैंडिडेट्स। ठीक है, उसी दिन ही यहाँ पर 4 के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर दिया गया था, एंड उसमें यहाँ पर वो केस फाइल था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को बिठाने के ऊपर एंड 50 लाख पर कैंडिडेट लेने के ऊपर। पिटिशन हैज आर्क्यूड फ्रॉम दैट FIR 12 सितंबर रजिस्टर्ड बाय CBI इज क्रिस्टल क्लियर दैट नीट यूजी एग्जामिनेशन वाज लीक्ड। इनका बोलना है कि जो 12 सितंबर को जो FIR हुई थी उससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि एग्ज़ाम जो है वो लीक किया गया था, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से यहाँ पर क्रिमिनल माइंड था, लीक करवाने में इन्वॉल्वमेंट था, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स का, पेपर सॉल्विंग गैंग्स का। बोला गया है कि CBI के अलावा भी मल्टीपल FIR यहाँ पर रजिस्टर की गई हैं पुलिस के द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नीट UG पेपर लीक के अगेंस्ट। फर्दर इट इज आर्ग्यूड बाय दैट द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हैज एस्टेब्लिश द फैक्ट बियॉन्ड द डाउट दैट नीट UG एग्जामिनेशन वॉज इरिवर्सिबल विजिटेड बाय द यूज ऑफ मीन्स एन अनफेयर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर बोला गया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, तो बिल्कुल क्लियर हो गया था यहाँ पर माला प्रैक्टिस की गई है, एंड आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया जाए, ये बात बोली गई है। उसके साथ साथ बोला गया है यहाँ पर कि NTA के लिए मैसेज है कि यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ NTA के लिए कि NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये इंश्योर करें कि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मेंटेन करें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रोटोकॉल्स ऐसे होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड होने चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहने चाहिए, जैसे कि इंक्लूड द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो कैंडिडेट का, यू नो यूज ऑफ जेमस एटसेट्रा टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन फेयर एंड ट्रांसपोर्ट मैनर, फेयर और ट्रांसपोर्ट मैनर में कंडक्ट करवाए जाए एग्जाम। उसके साथ साथ बोला गया डायरेक्टर हैव बीन सॉट टू द NTA टू सबमिट एन एफिडेविट। अभी जो NTA के डायरेक्टर हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, उनको 1 वीक के अंदर अंदर एफिडेविट सबमिट करना होगा वाई द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड ऑन 12 सितंबर नॉट बी कैंसल ए डिसीजन टू बी टेकन टू कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन एफ्रेस। कि जो अपना नीट है वो 12 सितंबर को क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता एंड फ्रेश एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया जा सकता, तो ये यहाँ पर जो है इनको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा। तो अभी जो है फाइनल डिसीजन बहुत ही जल्दी यहाँ पर किया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टर को करना होगा। पील हैज़ आल्सो डायरेक्टेड टू द CBI एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान उत्तर प्रदेश टू सबमिट, एंड यहाँ पर पील में ये भी बोला गया कि CBI एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड UP जो पुलिस है वो सबमिट कर दे, सबमिट ए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन ए वीक। ये सभी की सभी रिपोर्ट्स विद इन ए वीक जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएंगी। फर्दर यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था कंप्लीट अपना केस, एंड केस में यहाँ पर क्या क्या वहाँ पर लिखा गया था मैंने आप लोगों के साथ